नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या बीजेपी और आरएसएस को कोई बैन करने की मौजूदा समय में हिम्मत कर सकता है? क्या बीजेपी और आरएसएस के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाने की हिम्मत कर सकता है? हां, कर सकता है और किया है और करके दिखाया है। किसानों ने किस तरह से बीजेपी की नाक में नकेल डाल करके वो काम करके दिखा दिया है जो काम पूरा देश कभी सोच नहीं सकता। इतनी प्रचंड बहुमत के साथ में जिनकी सत्ता, उनको कैसे घुटने पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, विनोद कापड़ी ने ट्वीट करके लिखा कि हरियाणा के मित्र ज्ञानवर्धन करें कि ये असली है। ये उन्होंने सवाल पूछा, इसमें क्या है? इसमें दरअसल एक शादी का कार्ड है और इस शादी के कार्ड में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कृपया बीजेपी, जेजेपी, जो जेजेपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी हरियाणा के अंदर, और आरएसएस के लोगों को इसमें ना आए, वो दूर रहे। ये जो है वो कहा गया कि बीजेपी, आरएसएस के और जेजेपी के लोग जो हैं वो कार्यक्रम से, शादी ब्याह से दूर रहे। तो ये जो है वो किसानों ने करके दिखाया है किस तरह से बीजेपी, आरएसएस और ये आप कह लीजिए जेजेपी, जो भी सहयोगी पार्टी रहती है, हर छोटे से छोटा नेता, हर छोटे से छोटा प्रधान उसके साथ में जुड़ना चाहता है कि अगर बीजेपी के साथ में जुड़ गए तो हर तरीके से अपने आप को सेफ कर लिया, आप सुरक्षित हो गए, आपको सीबीआई, ईडी किसी चीज का डर नहीं है, आप आराम से रहिए, कोई मुकदमेबाजी कुछ डर नहीं है। लेकिन देखिए हरियाणा के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये कल उन्होंने तस्वीर जो है पोस्ट किया, अब उसके बाद में कहा गया कि ये फर्जी है, ये है, वो है, तमाम चीजें कही गई। लेकिन अब इस पर कायदे से स्टोरी आ चुकी है, दैनिक भास्कर ने इस पर स्टोरी की है। ये दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए, ब्याह के कार्ड पर बीजेपी जेजेपी के नेताओं से दूर रहने का संदेश। झज्जर में 1 दिसंबर को, झज्जर हरियाणा के अंदर एक जिला है जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ही कहा जाता है, झज्जर में 1 दिसंबर को शादी। किसान नेता यदवीर ने रेवाड़ी में कार्ड को मंच से किया प्रदर्शित। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर का ये ट्वीट है। अब देखिए किस तरह से इस खबर को थोड़ा आपको आगे बताते हैं और फिर से पहले बीजेपी के खिलाफ, जेजेपी के खिलाफ किसानों ने किस कदर मोर्चा खोला है वो आपको बताएंगे। ये आप देखिए, ये इस खबर में आगे लिखा है कि किस तरह से जो है वो शादी ब्याह के अंदर जो हुआ है, बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों शादी से दूर रहे। झज्जर में शादी के कार्ड पर छपवाया संदेश, किसान नेता ने मंच से दिखाया सभी को। तो ये जो है सब कुछ हुआ है। 3 किसान कानूनों का विरोध हुआ और उसके बाद में 1 साल तक आंदोलन जारी है। इसके बाद में, इसके साथ ही हरियाणा में बीजेपी, जेजेपी के नेताओं का विरोध जारी है। झज्जर के रहने वाले विश्व वीर जाट महासभा के अध्यक्ष ने 1 दिसंबर को खुद के परिवार में होने वाली शादी के कार्ड पर बीजेपी, जेजेपी और आरएसएस के लोगों को शादी से दूर रहने का संदेश छिपवाया है। गांव माता रेहल निवासी विश्व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जय जवान जय किसान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। तो आप देखिए किस तरह से जो है वो यहां पर किसानों ने सीधा संदेश दे दिया। वो अपने शादी ब्याह के कार्ड पर अपना संदेश छिपवा रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस और जेजेपी के नेता जो है वो दूर रही। ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात आप इसको मान करके मत चलिए। देखिए, कोई भी किसी के साथ में किसी की मतभेद होते हैं, किसी की नहीं बनती है, तो वो मंच से, सोशल मीडिया से वहां पर जो है दूरी रखता है। लेकिन जब बात घर की हो, जब बात इतने बड़े आयोजन की हो, जब आपके घर में इतना बड़ा खुशी का मौका है, शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम है, तो आप कम से कम जो गले सिकवे हैं उनको भुला देते हैं। और जो आपके लोकल नेता होते हैं, गांव देहात के लोकल नेता होते हैं, मालूम होता है कि हाँ वो फला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, फला कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, फला किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो कुछ भी हो लेकिन बुला लेते हैं। और लोग आपस में गांव देहात में सभी की शादी में, सभी के सुख दुख में जाते भी हैं। लेकिन यहां पर किसानों ने एक नई जो है वो लाइन खींच दी है कि हम आपको नहीं बुलाएंगे, ये कहा गया। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, किसानों ने इससे पहले भी किया है। और हरियाणा की जो धरती है वो अपने आप में एक अलग किस्म की धरती है। बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए कि ये किस प्रकार की धरती है। आप देखिए, ये आज तक की खबर है, हरियाणा में किसानों का ऐलान, बीजेपी जेजेपी से जुड़े परिवार में नहीं करेंगे बच्चों की शादी। यह बाकायदा जो है वो ऐलान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने बहन बेटियों की शादी, अपने बच्चों की शादी, अपने लड़के की शादी किसी भी ऐसे परिवार से नहीं करेंगे जो बीजेपी, आरएसएस से जुड़ा हुआ हो, उससे ताल्लुकात रखता हो, उसका कोई नेता हो, चाहे वो कुछ भी दे, कुछ भी दहेज दे, कुछ भी शादी के अंदर गाड़ी कार धन दौलत कुछ भी दे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे, ये कहा गया था। जींद के खड़गड़
टोल प्लाजा पर सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में लिया गया फैसला, शादी करने से पहले कन्फर्म करेंगे कि परिवार बीजेपी या जेजेपी के समर्थक तो नहीं है। किसानों ने किया बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार। तो इस तरह से जो है वो किसानों ने लगातार एक साल से, ये किसानों के सामने जो सरकार झुकी है वो एक दिन में नहीं झुकी है, सरकार को मालूम था इसीलिए सरकार झुक चुकी है। और अब एक साल पूरा हो चुका है, एक साल पूरा हो चुका है और सरकार के सामने आज किसानों ने एक ऐसी लाइन खींच दी है कि इस क्षेत्र में, इस बेल्ट में, खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस बेल्ट में आप भूल जाइए। साथ ही पर इसका प्रभाव है मध्य प्रदेश के अंदर है, इसका प्रभाव है राजस्थान के अंदर है, इसका प्रभाव महाराष्ट्र के अंदर है, इसका प्रभाव तमिलनाडु के अंदर है, तमाम गुजरात के अंदर भी जो है इसका प्रभाव है किसान आंदोलन का, और ये जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हरियाणा इसमें देखिए किस तरह से, हरियाणा के जो किसान है वो मुखर होकर के बोलते हैं भले ही डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप देखिए, दो बसें आप देखिए, ये दो बसों का जो है फोटो देखिए, केवल आप पहले फोटो देखिए। इसमें एक बस नजर आ रही है, उस बस पर जो है वो लाल रंग किया हुआ है। हरियाणा के अंदर इस तरह से लाल रंग में, भगवा रंग में चीजें कभी नहीं होती हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेरी यादा सही से काम कर रही है तो हज हाउस को, अल्पसंख्यक विभाग को, वो भी भगवा रंग से पेंट कर दिया गया था, फिर फजीयत हुई उसके बाद में व्हाइट कर दिया था। अब देखिए इसी तरह से हरियाणा में भी प्रयोग करने की कोशिश की गई। हरियाणा में आप ये देख रहे हैं लाल रंग की बस पेंट कर दी गई, और उसके बाद में देखिए जब मामला, ये बवाल मचा, जब जो है बवाल इसको लेकर के बाउंडर हुआ, तो यही बस आप देख रहे हैं, इस बस का नंबर है 8511, और यही बस जो है दोबारा से हरियाणा के अंदर जो सफेद और नीले रंग की अभी बसें चलती हैं, जिस रंग में, उसी रंग में करनी पड़ी है। ये ट्वीट आप देख लीजिए, धर्मेंद्र कनवारी हैं, लोकल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद डिपो की जिस बस को लाल रंग से रिप्रेंट किया गया था, अब उसको दोबारा से नीला और सफेद रंग कर दिया गया है। रूट उन्होंने बाकायदा बताया है, बल्लभगढ़ से बुलंदशहर वाया हमीदपुर, जेवर, जहांगीरपुर, खुर्जा। बल्लभगढ़ से सुबह ये चलती है 8 बजे, बुलंदशहर में सुबह जो है वो 10:30 बजे पहुंचती है। तो ये जो है वो हरियाणा की धरती है, यहां पर बीजेपी और आरएसएस, यहां पर एक बात ये सच जरूर है कि हरियाणा के अंदर दूसरी बार बीजेपी की सरकार चल रही है, लेकिन वो किस तरह से चल रही है, कैसे चल रही है, उसको आप समझ करके देखिए। और खास करके अब किसान आंदोलन के बाद में वहां पर क्या कुछ हाल हो गया है। अभी हरियाणा में हाल ही में एक उपचुनाव हुआ था, एलनाबाद की विधानसभा सीट पर एक उपचुनाव हुआ था, और वहां पर बीजेपी अपना सब कुछ लगाने के बाद में भी, पूरा दमखम झोंकने के बाद में भी वहां पर जीत नहीं पाई थी, हार गई थी वहां पर बीजेपी। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस क्षेत्र में, और इसलिए ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर पश्चिमी यूपी से शुरुआत हुई थी और अब पूर्वांचल तक जो है वो किसान आंदोलन चला गया, इसीलिए जो है वो मोदी जी को आकर के कहना पड़ा कि मैं क्षमा मांगता हूं। ये वाकई जो है किसानों की ताकत कही जाएगी कि वो मुखर होकर के ना केवल बोल रहे हैं बल्कि अब इस तरह से विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो है वो वाकई याद किया जाएगा कि कैसे इन लोगों ने अपने घरों के अंदर, अपने शादी ब्याह में, अपने पर्सनल प्रोग्राम के अंदर भी बीजेपी आरएसएस के नेताओं को एक तरह से बैन कर दिया था। इस खबर को आगे तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि किसान किस हद तक जो है वो जा सकता है। अगर सरकार हठधर्मी हो सकती है तो किसान की जो जिद है, किसान का जो हौसला है, किसान का जो जज्बा है, वो फिर किस हद तक जा सकता है, ये लोगों को पता चले। इसलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।